बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर से सीबीआई की टीम निकल गई है। सुबह करीब 8 बजे सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के दिल्ली स्थित आवास पर छापा मारा था। सीबीआई की यह छापेमारी करीब 14 घंटे तक चली। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आम आदमी पार्टी सरकार की हाल ही में वापस ली गई शराब घोटाले को लेकर यह छापेमारी की थी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर के अलावा देश के विभिन्न राज्यों में करीब 31 स्थानों पर यह तलाशी ली गई है। तो शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, लगभग 14 घंटे के करीब मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम रही और 13 घंटे तक लगभग पूछताछ भी चली। और अब कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया के घर से सीबीआई की टीम निकल गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।